मलाड के शनि मंदिर में रविवार को आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के प्रति युवाओं के में खास उत्साह देखने को मिला। रक्तदान शिविर में करीब 50 युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, जिसमें करीब 120 लोगों को हेल्थ चेकअप भी किया गया। शिविर पहले माजा कर्तव्य फाउंडेशन और श्री शनि महात्मा पूजा समिति द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया था। आयोजकों का कहना था कि कोविड महामारी काल के बाद खून की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, इसे देखते हुए कैंप आयोजित करने का संकल्प लिया गया। पाहिले माजे कर्तव्य फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें फाउंडर ट्रस्टी नैना कर्नल, सेक्रेटरी भूषण राज अध्यक्ष और दिनेश कर्नल जी आदि मौजूद रहे। आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारतीय गांधी का अभिनंदन, धन्यवाद। आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, आपके जन्मदिन के मौके पर जो आयोजन किया उसके बारे में बताइए। सर, ये तो एक्चुअली कैंप हमको करना ही था और कुदरती दिन ऐसा बन के आ गया कि जन्मदिन का ही दिन हमें मिला, संडे का दिन ही यहाँ करने के लिए। तो भगवान के चरणों में एक हमने आशीर्वाद भी ले लिया, शनि मंदिर है यहाँ पे, तो बोलते हैं कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दिन की शुरुआत और जन्मदिन की शुरुआत इस दिन से बड़ी क्या होगी, इसके लिए आज का दिन हम ECG दे रहे हैं, मीन्स कार्डिक चेकअप है, कार्डियो और ऑर्थोपेडिक है, फिजियोथेरेपिस्ट है, आई चेकअप है, कैटरेक्ट के लिए दिया गया है और डाइटिशियन है। लगातार मुझे लगता है कि 10-12 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा जो जानकारी है 10-12 साल से ज़्यादा लगातार आप सेवा करते आ रहे हैं लोगों को, मुफ्त में सेवा जी। इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या है संस्था का उद्देश्य, मोटो क्या है? हमारी संस्था का नाम ही ऐसा है कि पहले माझे कर्तव्य, जो हमारा फ़र्ज है सोसाइटी की तरफ, ये हमारी संस्था का नाम है। तो उसी चीज़ को लेके हम सब काम करते हैं, जिसमें हम बेसिकली अनाथ बच्चियों को लेके उनके लिए मेन वॉलंटियर्स हैं, जो HIV पॉजिटिव गर्ल्स हैं, तो उनका जितना सब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम मुहैया करवाते हैं। उसके अलावा जो हमारा मेन अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो है फाइट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि मैं खुद कैंसर सर्वाइवल हूँ। तो वो कैंसर पेशेंट किन यातनाओं से जाता है या उनके दिमाग में जो एक टैबू रहता है कि कैंसर मीन्स मौत, तो कैंसर मीन्स मौत नहीं है, कैंसर ज़िंदगी भी देती है। मैं खुद उसका जीता जागता एक एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं तीसरे स्टेज के कैंसर से वापस आई हूँ, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो उससे मैं वापस आई हूँ। एंड हमने उसी को ही लेके, वो धोरण लेके ही उसके बाद लॉकडाउन से लेके अभी तक हम 6 फ्री सर्जरी करवा चुके हैं ब्रेस्ट की, और आगे भी करवाते रहेंगे। तो जितनी अवेयरनेस हम पहुँचा सके लोगों में बेसिकली, क्योंकि जितना अवेयरनेस जाएगी उतना ही ये चीज़ को हम रोक सकते हैं। जैसा कि मैडम बोला कि कैंसर और आँखों को लेकर, जैसा मोबाइल पे 24 घंटे लोग रहते हैं, मोबाइल दूर हो गए तो ऐसा लगता है बीवी दूर हो गई है, इस तरह की चीज़ें लोग महसूस करते हैं, क्या कहेंगे इस तरह के चेकअप को लेकर, इस तरह के आवेदन को लेकर? देखिए, चेकअप्स तो अभी काफ़ी कंपलसरी हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को भी स्कूल में कहा जा रहा है कि मोबाइल या कंप्यूटर पे आप पढ़िए वगैरह, तो इसके लिए रेगुलर चेकअप्स होने बहुत ज़रूरी हैं आई चेकअप के लिए। रिगार्डिंग कैंसर, कैंसर क्योंकि हम हमारे खुद के फैमिली में हम कैंसर से बाहर आ चुके हैं, तो हमने वो यातना देखी है, वो फैमिली की पीड़ा देखी है, वो पेशेंट की पीड़ा देखी है जिसके थ्रू वो कैंसर से, कैंसर के थ्रू जाते हैं। तो ये बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है हमको कि कैंसर मौत नहीं है, कैंसर से आप इजीली बाहर आ सकते हैं, खाली आपको एक फैमिली सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए और आपको पॉजिटिव रहना। तो आज मैडम का जन्मदिन भी है और ऐसे मौके पर इस तरह का आयोजन एक बड़ा दिन माना जा रहा है, और कितने लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है, उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इसका? पहली बात तो मैं मैडम को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे तो हमारा काम चालू ही रहता है, इसके पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके, जैसे मैडम ने बताया कि वो खुद कैंसर की सर्वाइवल है, वो हिसाब से हमने ये, हम लोग का एक टारगेट है कि पूरे स्टेट लेवल तक ये प्रोग्राम लेके जाने का, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनके तक हम पहुंच जाए। इस तरह की प्रक्रिया मिल रही है? नहीं नहीं बराबर, हमारे जो मैडम के साथ जो हमारा पहले से जो कोलाब्रेशन चल रहा है, इससे पहले भी हम लोग मंदिर की तरफ से एक फंक्शन इन्होंने ही आयोजित किया था, खाली हमारा नाम था, काम तो इन्होंने ही किया था। इनका जो ये ट्रस्ट है पहले माझे कर्तव्य फाउंडेशन, उनका थ्रू पहले एक बहुत बड़ा एक बार कैंसर डिटेक्शन कैंप इधर हुआ था लेडीज़ के लिए स्पेशली, वो तो बहुत अच्छा हुआ था वो कैंप,
उसमें मैडम का ही हाथ था, मैडम ने कह लिया हमारे एक सपोर्ट मांगा था, हमने कह लिया हमारा बैनर दिया था, बाकी जो भी काम है मैडम ही किया है। और आज का उनके बर्थडे के शुभ अवसर पर आज जो इतना बड़ा एक कैंप इधर हो रहा है, ये कैंप तो हमको लगा नहीं था कि इतना सक्सेस होएगा। अभी ऑलरेडी इधर 60 जन ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो हमारा तो टारगेट हम 100 जरूर क्रॉस करेंगे, इतना तो पक्का है। और मैडम को जन्मदिन के दिन इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वो भी इतना बड़ा शनि भगवान जो हमारे शनि टेम्पल है, ये बम्बई में नंबर 1 टेम्पल है आज का तारीख में, 67th ईयर इनका चल रहा है, इससे पुराना मंदिर बम्बई में किसका भी नहीं। सबसे बड़े बड़े अस्थि जो इधर आते हैं सब उनका कुछ तो मनोकामना पूरा होता होएगा, इसके लिए वो ये मंदिर में आते हैं। बड़े बड़े अस्थि इधर आते हैं, जैसे कि मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लिया तो फिर कल कोई बोलेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिए, ऐसा ना हो जाए। बड़े बड़े अस्थि आते हैं इधर, सबका काम हो रहा है, ये सब हमारी जो कमेटी जो खड़ा है हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग रिसेंटली जो मिलना चाहिए था इनकम टैक्स एग्जम्पशन का वो भी हमको मिला है,